चाचा जी राम राम। राम राम, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो बाहर निकलो जरा, मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं अकेला नाइट कैंपिंग के लिए निकल चुका हूँ जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट रेंज में। काफी ज्यादा खतरनाक फॉरेस्ट रेंज है ये, और मैं अकेला नाइट कैंपिंग पर निकला हूँ। बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल काला अंधेरा है ये देखिए। और अभी मैं नाइट कैंपिंग पर हूँ, अभी कुछ चाय वगैरह पीऊँगा, भूख नहीं है मुझे, और चाय बनाकर पीकर सो जाता हूँ। आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरह का नाइट कैंपिंग रहती है जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि रात किस तरह की रहने वाली है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर चाय बना रहा हूँ। ये आप जो लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर खड्डा है। जी हाँ, खड्डा है यहाँ पर, क्योंकि आसपास के अगर इस इलाके में मैं बनाऊँ तो यहाँ पर ऊंचाई है, ऊंचाई में हवा चलती है तेज़, तो यहाँ पर मेरा सिलेंडर नहीं चलेगा। इसीलिए अभी मैं यहीं पर बनाऊँगा और देखते रहिए किस तरह का काम चलेगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं मैंने स्टोव रख दिया है, इसके पीछे मिनी सिलेंडर है। या भी आपको पूरे लिंक्स बता दूंगा, इसकी डिटेल्स बता दूंगा, इस पर अभी मैं चाय बनाऊंगा। तो अभी मैंने थोड़ी बड़ी लाइट भी जला दी है, जो रिंग लाइट है, इससे मुझे अच्छी खासी लाइट मिलेगी, जिससे मैं आराम से यहाँ पर खाना बना सकूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टोव जल रहा है, और इसके साथ में ये है इसकी केटल। इससे पहले हम इसको करते हैं शुरू, शुरू होगा ये यहाँ से, देखिए। अभी मैं इसकी गैस को छोड़ता हूँ पहले, अभी मैंने इसकी गैस को छोड़ा और ये चल पड़ा। ये आप देख रहे हैं बहुत ही आराम से चल रहा है, अभी यहाँ पर हवा नहीं है तो इसीलिए बहुत ही आराम से चल रहा है। अभी मैं इसके ऊपर रखता हूँ इस केटल को, और केटल में बनेगी चाय, ठीक है। चाय भी अभी आपको दिखाते हैं किस तरह की बनेगी। मैंने दूध ही लाया, दूध की बनाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले भी मैं बहुत बार गया हूँ कैंपिंग पर, साथियों के साथ गया हूँ, दोस्तों के साथ गया हूँ। आज ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं अकेले में गया हूँ, ज़रा क्या होता है आज वही देखते हैं। पहले मैं चाय बनाता हूँ। जो दूध की चाय पीने में मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। अभी मैं इसमें डालता हूँ दूध, ये आप देख रहे हैं लिक्विड दूध है, तो अभी मैं इसमें यही डालूँगा। और मैंने इसमें दूध डाल दिया है, जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया ये, मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी में ये गर्म हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने आपके सामने दूध रखा था, और अभी इसको उबाल आ गया है, ठीक है, ये आपके सामने है, इसको अभी उबाल आ गया है, मतलब बहुत ही तेज करता है ये छोटा सा मिनी सिलेंडर जो है ना, बहुत ही तेज। इसको थोड़ा गड़कने देता हूं, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही तेज है ये, बहुत ही तेज। मैं इसमें डाल देता हूँ पत्ती, आप देखें थोड़ी तेज़ बनाऊंगा कड़ाके की, ताकि रात को नींद ना जाए जल्द से। इसमें डाल दूंगा मैं थोड़ी तेज़ सी पत्ती, और अब इसमें डाल देते हैं मीठा, क्योंकि अब ये बहुत ही जल्दी बनने लगा है, तो मैं मीठा भी जल्दी डाल दूंगा। ये देखिए हमने मीठा भी डाल दिया, अब देखिए क्या होगा, अब आएगा मज़ा। अब इसको हम थोड़ा सा ढक लगा देते हैं, ढक के लिए हमारे पास आर्टिफिशियल कड़छी है, इसमें जो आराम से चला जाएगी। और यह आज ये पत्ती खानी, क्योंकि पोनी तो लाई नहीं साथ में। रिलैक्स, अब थोड़ा इसको आराम देते हैं हम ढक्कन रख के। अब ये कैमरे के आगे झाग आ जाती है एक मिनट से, क्योंकि इस पर उबाल बहुत तेज़ है। आहा। बाकी दोस्तों अगर आपने नाइट कैंपिंग करनी है तो अपने साथ ये सामान रखना पड़ेगा खाना बनाने के लिए पहले, और उसके बाद कुछ लाइट का इंतज़ाम रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने रिंग लाइट को रख दिया है। और साथ में सोने के लिए ये देख रहे हैं आप, बड़ी टॉर्च है, इसके बाद कुछ कैमरे के इक्विपमेंट्स हैं, स्लीपिंग बैग है, ये मैट्रेस है सोने के लिए, मेरे पास दो हैं, तीन चार बंदे इसमें आराम से आ जाएंगे। चार पर्सन वाला ये टेंट है, अभी आपको इसका रिव्यू देता हूँ। पहले मैं चाय पी लेता हूँ, क्योंकि चाय बनकर तैयार से बन चुकी है। पहले हम इस अपने स्टोव को बंद कर लेते हैं, और उसके बाद ये देखिए बड़ी आ गई, इसको पहले कर लेते हैं हम पूरी तरह से बंद, और इसके बाद हम चाय की केटल से अपने गिलास में रखते हैं चाय। ये देख रहे हैं आप, पत्ती के साथ ही चल पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पोनी तो कहीं से आएगी नहीं। आहा, ये देखिए चाय, सर्दियों के टाइम कौन दे चाय। केटल खाली, और ये है मेरे वाला कप
चाय देखिए इसमें कितनी मस्त बनी हुई है, मस्त से भी मस्त है। अभी इसको मैं पीऊँगा, उसके बाद आपको बताते हैं आगे की कुछ जो ज़रूरी आपके लिए बातें हैं कैंपिंग के लिए। हाँ दोस्तों, कमाल की चाय बनी है, कमाल की, ऐसी घर पर नहीं बनती है। एक साइड ये भी व्यू देख लीजिए, रात, घनी रात, मतलब आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ऊपर जंगली पेड़ हैं, बाकी मस्त चाय का मज़ा आ रहा है। जब भी आप कैंपिंग पर निकले ना, तो ये दिल में कभी भी सोचना मत कि कुछ जंगलों में होगा, होता बहुत कुछ है, पर ये थिंकिंग आपने लानी ही नहीं है कि कुछ होगा खाले का। हाँ जो आएगा उस वक्त देखा जाएगा, तब तक आप इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। और हाँ ये ज़रूर कोशिश रखें कि अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाएं, फर्स्ट एक्सपीरियंस अकेले में खबरदार करें। तो देखिए दोस्तों, नाइट कैंपिंग के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत रहती है किस चीज़ की, कि अपने साथ आप सामान रखें, जो भी रखें वो सारा का सारा मतलब चलने वाला ही होना चाहिए, और ज़रूरी सामान। ये देख रहे आप, मिनी स्टोव था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये कमाल का था, इसने 5 मिनट के भीतर चाय बना दी। इसके बाद आप देख रहे मेरे पास रिंग लाइट है, जो लाइट अच्छी खासी दे रही है। इसके बाद आप टेंट देख रहे, पूरा का पूरा दिख रहा है, और आसपास का भी ये एरिया दिख रहा है इससे पूरा आराम से। इसके बाद जो ये आप देख रहे, ठीक है, ये बर्तन है, ये खाना बनाने के लिए हैं। और इसके बाद आपको बता दूं कि ये तो मेरे पास कैमरा है, अभी मैंने तो मोबाइल ही से बना रहा हूँ वीडियो। इसके बाद आप और भी सामान ला सकते हैं अपने साथ, पर जो वेट ज़्यादा ना हो जिसका, ठीक है। इसके बाद टेंट के भीतर देखिए, यह है मेरे पास लॉन्ग रेंज टॉर्च, लगभग 6-7 किलोमीटर तक रेंज को कवर करती है, रॉक लाइट है ये। एंड इसके बाद सोने का सिस्टम अंदर, ये स्लीपिंग बैग है जो माइनस टेम्परेचर में भी आपको सुरक्षित रखता है बचे रहने के लिए। ये है मैट्रेस जो आप नीचे देख रहे हैं, ये 2 मैट्रेस हैं, लगभग इसमें 3 लोग आते हैं इस टेंट में आराम से, और जिससे कि आराम से रात गुजर जाती है। पर आज मैं अकेला हूँ, आप टेंट देख रहे हैं, जो टेंट की साइड है चारों तरफ, पहले आपको टेंट वहाँ पर लगाना है जो सुरक्षित प्लेस हो, यानी कि नीचे बिस्तरे के काबिल हो, कंफर्टेबल हो। इसके बाद ऐसी लोकेशन हो जहाँ पर पत्थर आने की संभावना ना रहे, और कोई बर्फबारी के दौरान एवलांचेस ना आए। इसके बाद आसपास का रेंज देखिए आप, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर, बिल्कुल। ये आपको यहाँ पर और कुछ तो दिखेगा नहीं, फॉरेस्ट रेंज अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं चलेगा अभी कुछ भी नहीं। कुछ इस तरह के बर्तन आपको चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ नाइट कैंपिंग करना चाहते हैं विंटर में, और इस बार मैं विंटर में नाइट कैंपिंग करने वाला हूं बहुत ही दिनों तक, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लोकेशंस दे दूंगा, एंड ईमेल पर आप मुझे खासकर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस मेल पर आप मुझे मेल करेंगे वो मेल को डायरेक्टली मैं मैनेज करता हूँ, एंड मेल ज़्यादातर करिए, एंड बजट जो भी है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जो अभी मेरे पास सिस्टम है ये फ़िलहाल लाइट के अलावा लगभग 6,000 का मुझे टेंट, मैट्रेस एंड इसके साथ जो स्लीपिंग बैग है ये सारा का सारा पड़ा था, सिलेंडर गैस हो, बर्तन हो, जो भी, वो 6,000 का मुझे पड़ा था, एंड पूरा का पूरा जो सोने का सिस्टम है, ठीक है। एंड खाने पीने की जो और भी डिटेल्स हैं मैं आपको एक और नई वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज मैं थक चुका हूँ, बहुत ही चलने के बाद यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और बहुत ही मुश्किल के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तो सुबह मिलते हैं आपके साथ, और कैसी लगी आपको वीडियो, मैं नाइट के दौरान का आपके साथ वीडियो शेयर नहीं करूंगा क्योंकि थकान है तो एकदम से सो जाएंगे। एंड नेक्स्ट डे की आपके साथ नाइट कैंपिंग, इससे भी खतरनाक डेंजरस फॉरेस्ट में जाने वाला हूं, वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगा वीडियो। तो फिलहाल मैं यहां से कुछ लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल दूंगा, ज़रा चाचा है मेरा एक, उसको ज़रा वो क्या कहते हैं, ज़रा उनको मेरा सिग्नल रिसीव हो पा रहा है या फिर नहीं, तो आइए ज़रा ट्राई मारते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं नंबर को डायल करता हूं जिसे मुझे कॉल करना है, चाचा को। एंड नाउ ये आप देख रहे हैं कॉल उन्हें लग चुका है, और सामने की ओर डायरेक्शन रहेगी, अभी मैं उन्हें उस साइड सिग्नल भेजूंगा। ज़रा कॉल उन्होंने रिसीव करने का अभी मुझे वेट है, माइक पर रखेंगे, और उसके बाद सामने की ओर डायरेक्शन है लगभग 7-8 किलोमीटर। चाचा जी, राम राम। कैसे हैं आप? चलो बाहर निकलो जरा, मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ। हाँ बाहर निकलो। उधर है तू? मैं हूँ अभी कैंपिंग पे, निकलो बाहर और मुझे बताओ जरा कि मेरा सिग्नल आप तक पहुँच रहा है कि नहीं।
बिल्कुल डन, टार्च पहुंच गई। पहुंच गई चोरी कर थोड़ी रामन आली साइड ये। वाह वाह जी वाह वाह वाह, लग गया नजराओ सी। अभी आप मुझे दिखे नहीं पर ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है अभी हमारी, ये कल वीडियो में शेयर होगी। हाँ टॉरच कैसी लग रही है वहाँ पर? बहुत ही बढ़िया। बढ़िया लग रही है, बढ़िया सटीक निशाना लग रहा है, ब्राह्मण वाली साइड लगा। अरे वाह, ये आपका घर दिखा रही है यहाँ से? मंदिर है शायद, है ना? साइड दिखा, रामबन वाली साइड, रामबन वाली साइड ये। लगी लगी जी लगी, पूरी रोशनी रामबन वाली साइड आ रहे हो। श्रावण देव में ये देखो, अब मैं आपको थर्ड डिपर देता हूँ। पूरी नजरी जो तो लो इतनी लग गई हो गला बूट सब की सी दूजों में देख लिया ये है ना। वाह क्या हुए, वाह क्या, वाह क्या, वाह क्या, वाह क्या, वाह क्या, लग गई हो दूर नजरी। चलो कोई नहीं, मैं टेस्ट कर रहा था कि टॉरच लगेगी नहीं आपके इलाके तक, क्या होने लगेगी देख यार। तो दोस्तों अभी आप सभी ने इस टॉरच का कमाल देख ही दिया होगा, जो ये मेरे पास रॉक लाइट टॉरच है, कितने जोर ज़्यादा डिस्टेंस पर लग रही थी। और ये अगर इसको लगभग बता दूं कि 2 किलोमीटर की रेंज पर भी बंदा खड़ा हो ना, उसकी आंखों पर पड़ेगी तो बंद कर देता आगे, उतनी ज़्यादा तेज़ है ये, ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। एंड आपको बता दूं कि आज नाइट बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल हम सो जाते हैं, मिलते हैं आपके साथ एक और नई नाइट कैंपिंग की वीडियो में, और इस वीडियो में आप सभी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स शेयर करूँगा। साथ ही साथ उस कैंपिंग को मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लोगों के साथ करूँ, अपने दोस्तों के साथ करूँ, ताकि इन्जॉय में और ज़्यादा इंटरेस्ट और मज़ा बढ़ जाए, क्योंकि अब मैं तो अकेला हूँ, देख रहे हैं आप टेंट खाली पड़ा हुआ है, तो अकेला कहीं ना कहीं बंदा थोड़े बहुत परेशान ज़रूर होता है, क्योंकि बातें करने के लिए कोई नहीं होता है। मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी कुशल रहें और मंगल।